ओके, पिछली क्लास तक हमारा क्या डे टू में जो हमने डिस्कस किया था वो था ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर से क्या मतलब है? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर से, एक मिनट के लिए जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स को एक बार और बोलूंगा मैं, ताकि आपको पुराना याद आ जाए। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स भी एक सेट है, इसमें क्या आते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, मतलब ए कॉमा बी पैटर्न के एलिमेंट्स आते हैं सेट के अंदर। ए कॉमा बी में ये जो ए और बी हैं, ये दोनों रियल नंबर्स, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब देखो, इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है। ये तो बहुत सिंपल तरीका है, जिस तरीके में मैंने क्या बोला, व्हाट डिड आई से, देयर इज अ सेट एंड दिस सेट इज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। सो बाय ऑर्डर्ड पेयर आई मीन दीज टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे, इस प्रकार के एलिमेंट्स उस सेट में मिलेंगे इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। नाउ देर इज एन अनदर वे बाय विच वी कैन कन्वे द सेम इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन को एक और तरीके से कहा जा सकता है। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक नया टर्म जो सेट्स पर डिफाइन होता है, एंड दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे ये किसी प्रकार का प्रोडक्ट है, बट एज सच ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट से आपका मतलब, आपके दिमाग में प्रोडक्ट वर्ड जब आता है, यू थिंक ऑफ सम काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो नहीं होगा, बट मल्टीप्लीकेशन का नोटेशन जो है वो यूज होगा। नोटेशन दो प्रकार के होते हैं मल्टीप्लीकेशन के, जैसे एक्स इंटू वाई, एक नोटेशन ये होता है जिसको हम बोलते हैं डॉट, और एक नोटेशन होता है क्रॉस। ठीक है, इसमें से ये जो क्रॉस नोटेशन है दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं टेल हियर, इट इज क्लियर? ऑडिबिलिटी क्लियर है? ठीक है, इफ एनी इशू रिगार्डिंग ऑडिबिलिटी अराइजेस स्पीक देयर ओनली, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग, है ना, और आई शैल वेट जब तक आवाज नहीं आ जाती से। ठीक है, ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है मुझको, और आए है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है बनता किसका है पहले तो ये समझ। अच्छा, एक वर्ड और रह गया, प्रोडक्ट तो मैंने समझा दिया, कार्टेशियन हैज नो न्यूअर मीनिंग। ये बस ऐसा है कि रेने डेस्कार्टेस के नाम पर दिया गया है, रेने डेस्कार्टेस, दैट इज वाई कार्टेशियन ऐसा नाम, IAN इसमें जोड़ दिया, जैसे न्यूटन का न्यूटोनियन, ऐसे डेस्कार्टेस का डेस्कार्टेस। फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इनके नाम पर दिया गया है। और जो आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, इनफैक्ट 11th में भी जो कुछ पढ़ी है, ठीक है, इट इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्सन। ये वो व्यक्ति थे रेने डेस्कार्टेस, जो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, खास करके जो 10th में पढ़ा है, स्पेशली वो वाला पार्ट है। उसमें इन्होंने एक बुक लिखी थी लार्ज ज्योमेट्री, बुक तो नहीं, मतलब ये पार्ट था उनके रिसर्च पेपर का, लार्ज ज्योमेट्री। उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था नया मेथड ज्योमेट्री पढ़ने का, दैट इज वाई दैट ज्योमेट्री इज नोन एज कार्टेशियन ज्योमेट्री। ठीक है, अब उस ज्योमेट्री से इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा रिलेशन है, क्योंकि इस कार्टेशियन ज्योमेट्री में भी आप कोऑर्डिनेट्स को एक्स कॉमा वाई से दिखाते हो, और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम का सेट बन रहा है, इस सेट के भी जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स कॉमा वाई टाइप, बस ये डिनोट कर रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज बेसिकली व्हाट, एक शब्द में यदि एक वर्ड में आप बताओगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज मियरली अ सेट। ठीक है, इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है, एक्स कॉमा वाई टाइप के। ठीक, इस वजह से
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसकी रिजेम्बलेंस आती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे उनसे रिजेम्बलेंस आती है, इसलिए इस सेट को कार्टेशियन कहा गया। प्रोडक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसको जो डिफाइन किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है। सपोज पिछली क्लास में हमने पढ़ा आर क्या है, आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब मुझे डिफाइन करना है एक सेट जिसको आर क्रॉस आर बोलूंगा, आर क्रॉस आर में इसको डिनोट करूंगा और पढ़ूंगा इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, जनरली आप बुक में जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये बताता है कि जनरली दो सेट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, दो से ज्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो हम दो ही सेट लेंगे और यही हमारा कंसर्न है यहाँ पर, दो सेट वाला। अब ये जो दो सेट हैं ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने दोनों सेम ले लिए तो कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम है, अलग अलग भी हो सकते। सपोज करो मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया और दूसरा इंटीजर ले लिया, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, बस इस वजह से क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट जब रहेगा तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस तरह से। सपोज करो मैं पहले दो अलग अलग सेट ले लेता हूँ आरबीटी, एक सेट का नाम है ए, ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट मतलब इस सेट में कुछ ना कुछ एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा। ऐसे ही बी एक दूसरा नॉन एम्प्टी सेट, ये दो नॉन एम्प्टी सेट हो गए। अब नाउ आई एम डिफाइनिंग ए क्रॉस बी, मैं फिर से बोल रहा हूँ दो से ज्यादा सेट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले अपन दो सेट से, तो इसके अंदर एक एलिमेंट, इस प्रकार के एलिमेंट्स आएंगे एक्स कॉमा वाई टाइप के। ठीक है, इस नोटेशन को बोलते हैं सच दैट एक्स जो है बिलोंग करेगा ए को एंड वाई जो है बिलोंग करेगा बी, ये कंडीशन। और ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ये जो नोटेशन है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने ये डेफिनेशन, यही सबसे ज्यादा चलती है। एक और फॉर्म होता है रोस्टर फॉर्म, जिसमें मैंने बताया जैसे 1 2 3 लिस्टिंग मेथड जिसको बोलते हैं, जिसमें हम एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, तो ये कहलाती है लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म। लेकिन रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे जा सकते, इसलिए हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये ए क्रॉस बी हो गया। सपोज करो तीन सेट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्या बनता, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनता, एक्स वाई जेड। फिर क्या लिखते हैं सच दैट, सच दैट का एक सिंबल ये वर्टिकल कॉलम भी होता है, ये जो वर्टिकल बार मैंने बना दिया अभी मैं इससे सच दैट दिखा रहा हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड जेड बिलोंग्स टू सी। तो ये जो नोटेशन है इसमें ऑर्डर देखोगे आप बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये ए क्रॉस बी लिखा है तो पहला एलिमेंट जो है ए का होगा, और अगर ये बी क्रॉस ए लिखा होता, सपोज करो बी क्रॉस ए लिखा होता, इन दैट केस ये जो एक्स कॉमा वाई होता इसमें ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा होता, बी को, और ये वाई किसको बिलोंग कर रहा होता, ए। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक की बात बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गई, मैं रिस्पॉन्ड, और किसी को कोई डाउट है तो वो व्यक्ति पूछ सकता है, इफ एनीबडी इज हैविंग डाउट ही और शी कैन आस्क, अदरवाइज वी आर मूविंग अहेड। ये सब 11th का है जैसे समझ में आ रहा। तो इन जनरल कितने भी सेट हो सकते हैं। ठीक, अब जनरल डेफिनेशन ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, A1, A2, A3 से लेकर AN तक कितने भी ले सकते हैं, जितने लोग उतने एलिमेंट्स आएंगे, X1, X2, X3, XN। ठीक है, और ये जो N है इसको मैथ्स में बोलते हैं N टपल, जैसे दो थे एलिमेंट्स तो तुमने पेयर बोल दिया, तीन थे तो ट्रिपलेट्स बोल दिए। ठीक है, अब इन जनरल मान लीजिए, अब फोर के लिए भी नाम होता है लेकिन वो सब मैं उस इशू में नहीं जा रहा, बस मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर एन हो तो आप इसको बोलोगे टपल, एन टपल।
ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नथिंग बट अ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर का भी हो सकता है, ट्रिपलेट्स का भी हो सकता है, और इन जनरल एंड टपल का भी हो सकता है। कि जितने टपल्स में एलिमेंट होंगे, तो एक टपल में यदि एन एलिमेंट्स हैं तो इसमें एन सेट्स इन्वॉल्व होंगे, और वो जो एन सेट्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। लेकिन जो हम 12th क्लास में भी पढ़ना चाह रहे हैं वहां पर ये आइडेंटिकल ही होंगे। तो अब वापस आते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर पे। तो मैंने पहला सेट लिया आर, दूसरा सेट भी लिया आर, तो मेरा जो एक्स कॉमा वाई बना, और कोई जरूरी नहीं कि मैं इसको एक्स कॉमा वाई से ही दिखाऊं हर बार, ठीक है कि नहीं, किसी और एलिमेंट से भी दिखा सकते हैं। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ऐसी स्थिति में ये जो बनेगा एक्स कॉमा वाई, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर लेना है तो पूरे रियल नंबर का सेट हो। आप अपनी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रियल नंबर का सबसेट भी ले सकते हो, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर के तो बहुत सारे सबसेट आपको मालूम है, ठीक है। सबसे पहला सबसेट जो आपने रियल नंबर का पढ़ा, एक था क्यूब और एक था r माइनस क्यू, ये दोनों सबसेट हैं। ये क्या था? रैशनल नंबर, और ये वाला था r माइनस क्यू इरेशनल नंबर। इनको भी ले सकते हो, लेकिन वहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कि दीज आर सबसेट्स ऑफ r, ठीक है। इसके बाद आप इंटीजर्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और जनरली नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, होल नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ वो वर्ड यूज नहीं करते। यदि आप नेचुरल नंबर ले रहे हो तो आप वर्ड यूज करोगे पॉजिटिव इंटीजर्स। जब आप पॉजिटिव इंटीजर्स बोलोगे इट इज ऑटोमेटिकली नेचुरल नंबर, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम जेड पॉजिटिव, ठीक है। और अगर होल नंबर्स लेना चाह रहे हो आप, तो आपको बोलना है सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि नॉन निगेटिव में जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो ये दो वर्ड्स यूज करेंगे हम, नॉन निगेटिव इंटीजर्स यूज करेंगे फॉर होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स हम यूज करेंगे नेचुरल नंबर। तो इस तरीके की बात हो गई। तो ये तो था आपका क्या परसों से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स मैंने बता दिया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने भी सेट का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम दो ही सेट का लेंगे और दोनों ही सेट को आइडेंटिकल लेंगे, क्योंकि यहीं से हमारी सिलेबस का कंटेंट चल रहा है। और भी चीजें पढ़ी जा सकती है, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर 12th क्लास सिलेबस जो हमको प्रिस्क्राइब किया गया। तो ये खत्म हुआ आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सुनिए, ये एक कोई सेट है, जनरल मैं रियल नंबर का लेके लिख रहा हूँ ए, एक कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है। इस नॉन एम्प्टी सेट पे मैंने डिफाइन किया ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए को बोलूंगा मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑन ए, ऐसा लिख लो। तो ए क्रॉस दो बार ए लिखना पड़ेगा। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बन गया एक सेट, इस सेट का मुझको क्या बनाना है, सबसेट। सबसेट मींस इस सेट में से, ध्यान से सुनना, सबसेट का सही मीनिंग क्या होता है। सबसेट का मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है कि इस सेट ए क्रॉस ए से एलिमेंट्स लेना है और उन एलिमेंट से ए न्यूअर सेट बनाना है। अब दो पॉसिबिलिटी होती हैं इसमें, ठीक है, कि या तो हम कुछ एलिमेंट ले लें पार्शियल, या हम सारे एलिमेंट्स ले लें कंप्लीटली। और इसके अलावा मैथमेटिकल एक प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि कोई भी एलिमेंट ना लिया जाए, नो एलिमेंट। तो तीन केस हुए, दो नहीं हुए, नो एलिमेंट्स, पार्शियली कुछ एलिमेंट्स लिए, या पूरे एलिमेंट्स ले लिए। तो देखिए, कायदे से देखा जाए सबसेट का मतलब क्या होता है, छोटा सेट, सेट से मिल के एक्सट्रैक्ट होके एक छोटा सेट जब बना तो उसको बोलते हैं सबसेट। तो ये वाला जो पार्शियली वाला है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में फिट बैठता है कि हाँ भाई एक सेट है क्रॉस ए, उसमें से कुछ एलिमेंट्स लिए पार्शियली, कुछ एलिमेंट्स लिए और एक नया सेट बना दिया। सो दिस न्यूअर सेट शैल बी नोन एज इम्प्रॉपर सबसेट, सॉरी प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट
जिसको बोलते हैं ना कायले से सबसेट, और ये दो तो सिर्फ मैथमेटिकल कंडीशन है। अब आप खुद सोचो, एक सेट है उसमें से कुछ नहीं लिया आपने, तो वो सबसेट किस काम का रहा? मैथमेटिकली किसी का मतलब रियल लाइफ में किसी काम का नहीं रहा, लेकिन मैथमेटिकली इट एग्जिस्ट, और इसको हम बोलते हैं फाई। फाई के लिए हम यूज करते हैं वर्ड एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट, ये तीन नाम है। चीज वही है फाई, फाई से डिनोट करते हैं इस सेट को, ये एक फाई। और कंप्लीटली मतलब पूरे एलिमेंट्स ले लिए, तो यहाँ पर भी मीनिंग लोकेट नहीं हो रहा कि जितने एलिमेंट्स थे सारे के सारे एलिमेंट्स ले लिए, तो फिर तो सेट वही हो गया, ठीक है। तो जब कंप्लीटली सेट ले लेंगे तो इस सेट को बोलते हैं सेट इट सेट, ठीक है ना। इसके लिए कोई अलग से नाम नहीं देंगे, क्योंकि वही का वही सेट फिर से बन जाएगा। तो ये जो दो सेट है, नो मतलब एक भी नहीं लिया जिसने, और तो ये दोनों कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट इसलिए क्योंकि इनकी फिजिकल मीनिंग तो कुछ नहीं है, मैथमेटिकल मीनिंग है, तो ये दो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट, तो उसके दो सबसेट तो आप बना ही पाओगे हर बार। तो नॉन एम्प्टी सेट के दो सबसेट हमेशा होते हैं, एक तो फाइव और दूसरा सेट इटसेल्फ। ये एक डेफिनेशन की तरह आप याद रखें, लेकिन ये दोनों सबसेट्स जो हैं उनको ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं। ट्रिवियल का मतलब होता है एक हिसाब से नॉट नेसेसरी, फिजूल, ठीक है, ट्रिवियल सबसेट। पढ़ क्यों रहे हैं? अगर ये दो सेट्स नहीं होंगे तो हमारी थ्योरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी किसी वजह से, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स को, वैसे तो डेफिनेशन में है ऑलरेडी ये दोनों सेट, भाई फाइव डी और सेट तो पहले से ही, लेकिन इन दोनों को सबसेट के रूप में प्रेजेंट करना हमारे लिए काफी जरूरी है। अदरवाइज जो हमारी सबसेट की थ्योरी कहीं ना कहीं उलझ जाती है। तो हम इन दोनों को सबसेट के दर्जे में रखेंगे, भले ही इनको हम ट्रिवियल सबसेट्स बोलें और बाकी जो बनेंगे उनको प्रॉपर सबसेट बोलें, ठीक। यहां तक क्लियर है? महक आवाज आ रही है? ऑडिबिलिटी क्लियर है? और किसी को भी डाउट पूछना है तो पूछ सकता है, तो हम आगे बढ़े। तो ये देखो आप स्लो जरूर चल रहा है, लेकिन मैं आपका 11th का पूरा लेके चल रहे हैं, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर, बट देर आर सर्टन चैप्टर, दिस चैप्टर 1, दिस इज कॉन्सेप्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज वाई आप पूरा समझ पाओ। ये क्वेश्चन इसी प्रकार के फ्रेम होंगे, तो मैं सारी चीजें आप क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया आपका नॉन एम्प्टी सबसेट और आपने बना लिया। तो अब डेफिनेशन आती है रिलेशन। सो व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन ये, रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये सबसेट है किसी सेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखो अभी जो आप रिलेशन पढ़ रहे हो उस रिलेशन में दो ही एलिमेंट होते हैं x, y, है ना। तो हम x, y वाली ही बात करेंगे, ये x, y है और ये इस x, y का सेट है, तो ये भी सेट, लेकिन ये स्मॉलर सेट है और ये लार्जर सेट। तो जो बड़ा सेट होता है उसको सुपर सेट बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली सुपर सेट, ठीक है। एंड ये छोटा वाला होता है, इसको अभी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? सबसेट। दोनों में एलिमेंट्स एक ही, एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है दो सेट्स तो है, तो रिलेशन की डेफिनेशन तो आपको याद हो गई, एग्जाम में कोई आपसे पूछता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ। अब लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि ये प्रॉपर होगा कि इम्प्रॉपर होगा, तो दोनों हो सकते हैं, प्रॉपर वाला भी और इम्प्रॉपर वाला। तो इम्प्रॉपर वाले को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल। और ये कितने होते हैं? दो। तो ये दो जो होंगे इनके नाम पढ़ेंगे, एक का होगा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब सेम सेट पूरा का पूरा जब आ जाएगा तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। दूसरा वाला जो होगा
उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी, नल, वॉइड तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार में एक वर्ड, एम्प्टी, नल या वॉइड रिलेशन। ठीक, तो दो प्रकार के रिलेशंस ये आपको ध्यान में होने चाहिए, एंड दीज टू रिलेशंस आर नोन एज ट्रीवियल रिलेशंस। तो ये ट्रीवियल रिलेशंस कहलाते हैं बिकॉज दे आर ऑफ नो यूज, इम्प्रॉपर। तो पहला आप एनसीईआरटी में पेज देखोगे, ठीक है, पहला पेज मीन्स इंट्रोडक्टरी पेज से नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज, तो आपको इन दो की डेफिनेशन मिलेगी, यूनिवर्सल रिलेशन की और एम्प्टी और नल और वॉइड रिलेशन की। तो ये दो रिलेशन ऑलरेडी पार्ट हैं आपके सिलेबस के, तो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है। तो जस्ट इसके ऊपर यहाँ से ही जो था डेफिनेशन वाला पार्ट, इसको भी आप अपने सिलेबस का मानो, हालांकि ये 11th का है, कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इस वजह से दो इम्प्रॉपर सबसेट बने इसके, जिनको हम ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो दीज आर नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इन दो को हम अगली क्लास में मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे कि हमको इसको लिख कर कैसे बताना है, एंड देर आफ्टर हमारा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक जितना रीकैप था वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, पहले मैं रिकॉर्डिंग से स्क्रीन को हटा देता हूँ।